हेलो दोस्तों, वेलकम 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 बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम सबको बड़ी उम्मीद होती है जी कि, और एक क्यूरियोसिटी भी होती है हर महीने कि जी बैकलॉग का क्या सिस्टम चल रहा है। वो हमने भाई लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन IRCC के पास आज की डेट में कितनी है, तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या चल रहा है, किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है जी, तो मैं बता दूं जी आपको भाई कि हर महीने डेटा आता है जी हमारे पास। तो अभी जो हमारे पास डेटा निकल के आया भाई, अभी अप्रैल में जो डेटा निकल के आया, ये निकल के आया एज ऑफ March 31, 2024। जो भी हम डिस्कस करेंगे वो March 31, 2024 तक के डेटा के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई। तो चलो जी बात करते हैं भाई विद इन स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम। भाई होता क्या है कि आपकी भाई मान लो जैसे अभी विस्टर वीजा का प्रोसेसिंग टाइम अगर मैं इंडिया से अप्लाई करता हूं कनाडा के, तो वो है जी 22 डेज। अगर विद इन 22 डेज मेरा वो एप्लीकेशन है मेरी विद इन 22 डेज में ही, तो भाई वो मेरा फिर विद इन स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है। ठीक है, वो बैकलॉग में नहीं जाएगी। हाँ, उससे ऊपर निकल गया तो बैकलॉग में हो जाएगी। ये क्लियर हो गया हमारा। ठीक है जी, अब मैं बता देता हूँ जी टेम्परेरी रेजिडेंट जो हमारी एप्लीकेशन है, या फिर आपकी भाई परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशंस हैं, या फिर आपकी भाई आपकी सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस हैं, क्या चल रहा है, नहीं क्या नहीं चल रहा, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सिटीजनशिप की भाई एप्लीकेशन जो विद इन सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं एज ऑफ March 31, 214,600 भाई। ओहो, ये भाई नंबर है जो इनके पास अभी पड़ा हुआ है जी, 214,600 सिटीजनशिप की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं। परमानेंट रेजिडेंस 4,40,000, और अगर टेम्परेरी रेजिडेंस की मैं बात करता हूं भाई 6,65,400। और मैं भाई इसको अगर कंपैरिजन करता हूं सिर्फ टेम्परेरी रेजिडेंस को ही, तो जो February 29 तक का जो डेटा था उसमें था भाई ये नंबर 5,98,650, मतलब 6 लाख के आसपास, और जो कि March 31 तक 6,65,000 के आसपास हो गया। तो भाई टेम्परेरी रेजिडेंट की जो एप्लीकेशंस है वो तो देखो भाई धड़ाधड़ बढ़ी हैं, वो तो धड़ाधड़ बढ़ी हैं। ठीक है जी, इसमें ये भी हो सकता है चलो भाई स्टूडेंट आए हैं या आगे स्टूडेंट अप्लाई, चलो वो चीजें ठीक है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है जी, अब टोटल जो February 29 तक जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी जो विद इन सर्विस प्रोसेसिंग टाइम की, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम के अंडर थी, वो था जी February 29 तक 12,27,050, और अभी March 31 तक वो नंबर हो गया जी 13,20,000 भाई। ये तो और भी बढ़ गई, नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो इनके पास और भी बढ़ गई, 13 लाख क्रॉस हो गया यार, 13 लाख क्रॉस हो गया। और ये भी नहीं भाई ये थोड़ा बहुत हुआ है, 12,27,000 थी भाई इनके पास February 29 तक, और March 31 तक भाई 13,20,000, मतलब ऑलमोस्ट कितना भाई 95,000 के आसपास का नंबर बढ़ गया भाई, 95,000 के आसपास का नंबर, गॉड। और इसके चलते भाई अगर मैं टोटल बात कर लूं March 31, 2024, ये बड़ा नंबर निकल के आ रहा है भाई, बैकलॉग्स मैंने पिछली वीडियो में सारा समझा दिया आपको, 8,92,000 की बैकलॉग है जी। ठीक है, और जो विद इन प्रोसेसिंग टाइम है जी वो है जी नंबर आपके पास 13,20,000। तो जी देख लो जी 22 लाख से भी ऊपर का नंबर, ओहो 22 लाख से भी ऊपर का नंबर, 22 लाख से भी ऊपर का नंबर, 2.2 मिलियन एप्लीकेशंस भाई आज की डेट मतलब March 31 तक IRCC के वालों के पास भाई पड़ी हुई है। इतनी एप्लीकेशंस का इन्होंने रिजल्ट देना है, इतनी एप्लीकेशन इनके सिस्टम में पड़ी हुई है, इतनी एप्लीकेशन इनके पास इन्वेंटरी पड़ी हुई है। बताओ यार क्या दिक्कत क्या है यार, इतना कैसे हो सकता है यार, मतलब ऐसा भी नहीं भाई लोग फीस तो भर ही रहे हैं ना तभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है। तो क्या है, क्या टेक्नोलॉजी की कमी है, मैन पावर की कमी है, क्या है, सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ये आप भी मुझे बताओ यार, आप भी मुझे बताओ। इतनी एप्लीकेशंस यार, इतनी एप्लीकेशन भाई स्टॉक में, कमाल है यार, मतलब
भाई क्लियर करो यार, आई नो एफर्ट्स हो रहे हैं, बट उन एफर्ट्स को ना दोबारा से मुझे लगता है भाई सोचना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसकी प्लानिंग क्या है, कैसे इतनी एप्लीकेशंस क्लियर होंगी। आई होप भाई इमिग्रेशन वाले सोच रहे होंगे और अच्छा प्लान बना रहे होंगे, बट इन चीजों को जल्दी जल्दी क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना भाई प्रेशर और बढ़ता 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 बहुत बढ़ जाएगा यार, बहुत बढ़ जाएगा। राइट, तो जी आप क्या सोचते हो भाई, क्या रीजन हो सकता है यार इतनी एप्लीकेशंस बढ़ने का, बताओ यार, थोड़ा आप अपना व्यू पॉइंट दो। बाकी भाई मैंने आपको सारा डेटा दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इतनी पड़ी हुई है भाई इमिग्रेशन वालों के पास, बट चलो भाई फिंगर्स आर क्रॉस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई सब चीजें जल्दी जल्दी हो और टाइमली हो, सबका रिजल्ट अच्छा आए, पॉजिटिव आए, है ना, हम तो यही उम्मीद करते हैं। तो इसी के चलते भाई नैवसी संगेर का आप चैनल जरूर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन, टिल देन स्टे का अपना ध्यान रखना। बाकी भाई मैं आ गया जी कल, बहुत 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 आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ जी, बेस्ट विशेस देता हूँ, एंड दोबारा मिलते हैं गाइस, ठीक है, टेक केयर, एंजॉय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय बाय।